मंच पर उपस्थित श्रीमान नित्यानंद राय जी, अजय कुमार मिश्रा जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान बल्ला जी, सीमा सुरक्षा सचिव डॉक्टर गंगवार जी, और आज के इस छोटे परंतु बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित सीएपीएफ के डीजी गृह विभाग के सभी अधिकारीगण, भाई और बहनों, आज हमारे सीएपीएफ के सभी कर्मचारियों के लिए, जवानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत रखने के लिए, चाहे सीमाओं को अभेद रखना है, चाहे एयरपोर्ट और बंदरगाहों को सुरक्षित रखना है, चाहे दंगों के खिलाफ दंगाइयों को कठोर कार्यवाही से दंडित करना है, चाहे कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों के अंदर अपनी चुस्त मुस्तैदी से, इनकी उपस्थिति से देश के कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को मजबूत करना हो। सीएपीएफ के हमारे जवान हमेशा हमारी आंतरिक सुरक्षा का बहुत मजबूत और जरूरी पिलर रहे हैं, और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि आज देश के अंदर विकास का नया एक युग जो शुरू हुआ है, भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का केंद्र बनने जा रहा है, इसमें आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले हमारे सीएपीएफ के जवानों का बहुत बड़ा भूमिका है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और देश भर की पुलिस और हमारे सीएपीएफ के आज तक आजादी के बाद 35,000 से ज्यादा जवानों ने अपनी जान अलग अलग मौकों पर आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए गवाई है। उनके यही बलिदान के कारण सीमाओं के अंदर देश के नागरिक चैन की नींद सो रहे हैं और सुनिश्चित होकर देश के विकास में अपना योगदान कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि जो जवान -43 डिग्री टेम्परेचर में और +43 डिग्री टेम्परेचर में सीमाओं की सुरक्षा करता है, उसके परिवार की चिंता करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, चुनी हुई सरकार की होनी चाहिए, और जवान को उस चिंता से पूर्णतया मुक्त करना चाहिए। आज जो सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल अभी शुरू किया गया है, वो उसी श्रृंखला की एक अगली कड़ी है। मित्रों, सीएपीएफ ई आवास पोर्टल के कारण कई जगह पे कई आवास बने हुए पड़े हैं, खाली पड़े हैं, और जिनको चाहिए उसको आवास मिलता नहीं। दुर्भाग्य से हमारे सीएपीएफ में भी एक प्रकार की वर्ण व्यवस्था बन गई थी कि जो आवास जिसके लिए बने हैं वो ही वहां रहेंगे, मगर पूरी जाति व्यवस्था का आज सीएपीएफ ई आवास से आज से समापन हो जाएगा। खाली पड़े हुए आवास किसी भी सीएपीएफ के जवान के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, और ऑटोमेटिकली टेक्निकली देखे तो एक भी नया भवन बनाए बगैर, मैं आज दोपहर को जो डिटेल मुझे दी गई इसकी गिनती करता, 13% सेटिस्फेक्शन रेशियो की बढ़ोतरी होगी, और एक भी भवन बनाना नहीं पड़ेगा। भवन बने और सेटिस्फेक्शन रेशियो बड़े हो तो मैं समझ रहा हूं, मगर बने हुए भवन खाली पड़े थे, आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका उपयोग कर हम 13
परसेंट सेटिस्फेक्शन रेशियो को एक साथ बढ़ाएंगे। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गृह विभाग का और आज बहुत बड़ा काम यहां पर होने जा रहा है। मित्रों, जब से 2014 से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से गृह विभाग ने जवानों के हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो को बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालीन, अल्पकालीन कई प्रकार की योजनाएं भी बनी करी। इसमें कार्यालयों का निवास निर्माण भी है, हॉस्पिटलों को मजबूत करना भी समाहित है और निवास की संख्या बढ़ाना भी समाहित है। और उसके तहत लगभग जो 2014 में आवासीय संतुष्टि का स्तर, हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो जो लगभग 33-34% के बीच में था, आज जब मैं यहां आपके सामने खड़ा हूं उसको 48% तक पहुंचाने का हमने काम कर लिया है। 8 वर्षों में 31,000 से ज्यादा आवासों का निर्माण किया गया है, 17,000 से करीब ज्यादा आवास अभी निर्माणाधीन है, कुछ ही समय में लगभग दिसंबर जनवरी तक ये समाप्त हो जाएंगे और 15,000 से अतिरिक्त आवासों का निर्माण प्रस्तावित है जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस सबको अगर हम मिला लेते हैं तो नवंबर 2024 तक हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो 60% तक पहुंच जाएगा और ये 13% जो व्यवस्था की कमी के कारण खाली पड़ी रहती थी इसको मिला लेते हैं तो 73% तक हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो पड़ेगा। और इससे कई प्रकार की सुविधा होगी, मानो सीएपीएफ में सीआरपीएफ ने कहीं और जगह पे आवास बनाया है और वहां जवान तमिलनाडु से सिलेक्ट हुआ है मगर कोई और फोर्स के तमिलनाडु में घर बना हुआ खाली पड़ा है तो वो तमिलनाडु में अपना घर सिलेक्ट कर सकता है और अपने राज्य में भी उसका परिवार रह सकता है। अनेक प्रकार की, जब ये योजना बनाई तब मैंने इसको डिटेल से देखा, अनेक प्रकार की सुविधाएं इसमें से निर्मित होने वाली है। तो एक प्रकार से आवास संतुष्टि दर को बढ़ाने का जो हमारा लक्ष्य है ये इसकी परिपूर्ति करने के लिए आज का एक छोटा सा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 73% के करीब, 74% के करीब आवास का संतुष्टि दर बहुत संतुष्टि देने वाला लगता है। इसलिए मैं आज सबसे पहले तो सीएपीएफ के सभी जवानों को मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस पोर्टल का उपयोग करिए और अपने परिवार को सुरक्षित, स्वच्छ और सौंदर्ययुक्त आवास में ट्रांसफर कराने का काम करिए। अभी भी काफी आवास खाली पड़े हैं। मित्रों, जहां तक वेलफेयर का सवाल है, इस सरकार ने ढेर सारा काम किया है वेलफेयर के लिए। आयुष्मान सीएपीएफ, जिससे जवानों को एक लंबी प्रक्रिया से अपने और अपने परिवार के लिए आरोग्य के जब मसले खड़े होते थे तब उनके इलाज के लिए एक लंबी प्रक्रिया से पारित होना पड़ता था, इसमें थोड़े टीथिंग प्रॉब्लम जरूर आए हैं मगर कल ही मेरी बात हुई है, सारे टीथिंग प्रॉब्लमों को पार कर अब ये बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़ जाएगा, जिससे हर जवान को लगभग 10 लाख कर्मियों को 35 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड का वितरण हमने पूरा कर दिया है। अब तक 56,000 बिलों का भुगतान किया है और 31 करोड़ रुपए की राशि भी हमने हॉस्पिटलों को भुगतान कर दी है। मित्रों, हमने सीएपीएफ कर्मियों के स्थानांतरण में पारदर्शिता लाने के लिए भी ई ट्रांसफर सॉफ्टवेयर का भी निर्माण किया है। अभी प्रयोगात्मक तरीके से आईटीबीपी और सीआईएसएफ ने थोड़ा उपयोग इसका शुरू किया है। प्रैक्टिकल दिक्कतें क्या है इसका
अनुमान लगाकर, कयास लगाकर इसको हम आगे पर ले जाएंगे। इससे भी उनकी आयु के साथ, उनकी हेल्थ कंडीशन के साथ इनकी जॉब को कैसे जोड़ा जा सकता है, इसको भी हम निश्चित रूप से देखेंगे और इससे भी बहुत फायदा होने वाला है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना को भी लगभग 42 कोर्स पहले से, अब इसमें 80 से ज्यादा नए कोर्स जोड़ने का काम किया है। केंद्रीय अनुग्रह राशि को भी ज्यादा साइंटिफिक किया गया है और उसको बढ़ाने का काम किया गया है। कुछ घटनाओं के बाद हवाई कुरियर सेवाओं को भी हमने मजबूती के साथ, आग्रह के साथ लागू करने का काम किया है। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार को भी मजबूत करने के लिए ढेर सारे काम करे हैं। आज मैं यहां सभी सीएपीएफ के डीजी यहां उपस्थित है, तब एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार जवानों के कल्याण के लिए, जवानों के परिवार के वेलफेयर के लिए कोई भी सकारात्मक सुझाव है इस पर विचार करने के लिए तैयार है। परंतु हमने भी जहां पर हम काम कर रहे हैं वहां के वातावरण को ठीक रखने के लिए हमारा योगदान देना पड़ेगा। चाहे नए आवास बनते हो, चाहे नए कार्यालय बनते हो, या जहां पर हमारी स्थायी ड्यूटी है, जैसे सीमाएं हैं। हमने एक अभियान चला है, वृक्षारोपण का अभियान, और लगभग पुलिस बलों द्वारा 20, 21 और 22 होकर अब तक 3 करोड़ पौधे रोपे जा चुके हैं और इसी वर्षा में और 50 लाख पौधे हम रोपेंगे। परंतु मेरा आप सभी से आग्रह है कि संस्थागत रूप से सर्कुलर का पालना करने के लिए पौधा रोपना, और बड़े भाव से इसको मैंने लगाया है, मैं बड़ा करूंगा, ये जवान के मन में इस प्रकार की संवेदना खड़ी करना, ये दोनों में बड़ा अंतर है। मेरा आप सभी से आग्रह जो सीनियर अफसर यहां पर बैठे हैं कि जवानों के मन में ये संवेदना खड़ी करने की जिम्मेदारी अफसरों की है। डिसिप्लिन फोर्स है, एक सूचना आएगी, सब लोग लगा देंगे, यांत्रिक तरीके से वो बड़े भी होते जाएंगे। परंतु एक जवान अगर उसके साथ जुड़ जाता है तो उसके मन के अंदर अनेक प्रकार के जो विकार इतने परिवार से दूर जॉब करने के कारण खड़े होते हैं, इसको कम करने में ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा हमें फायदा होगा। ये वृक्षारोपण अभियान जब शुरू किया, शाही जी हम बैठे हैं, उस वक्त हमारा सोच एक तो था ही कि पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए, हमारे कामकाज की जगह पर अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, परंतु इसके साथ साथ ये भी था कि एक रचनात्मक सोच के कारण, एक हकारात्मक सोच के कारण, सकारात्मक सोच के कारण मानव के स्वभाव में जो परिवर्तन आते हैं और एक प्रकार की सेटिस्फेक्शन की भावना, जो संतुष्टि की भावना, संतोष की भावना खड़ी होती है, उसको भी कहीं ना कहीं गति देना चाहिए। तो आज सीएपीएफ के जो अधिकारी यहां उपस्थित हैं, ये सबसे मेरा आग्रह है कि इसको एक सरकारी कार्यक्रम न माना जाए। हर जवान का एक वृक्ष के साथ लगाव होना वो उसके जीवन को बदलने वाला होता है, इस पर हम आग्रह दें और जवानों को भी इस दिशा में हम प्रेरित करें। मुझे ज्यादा लंबी बात करनी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री जी का पुलिस बलों के, विशेषकर जवानों से ज्यादा उनके परिवारजनों के वेलफेयर के लिए हमेशा अति आग्रह होता है, और उस दिशा में उनके विचारों की परिपूर्ति के लिए गृह मंत्रालय हमेशा सदैव तत्पर रहता है। उस कड़ी में आज, इस श्रृंखला में आज एक नई कड़ी जुड़ने जा रही है। मैं फिर से एक बार सभी जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ये सॉफ्टवेयर को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अगर किसी को एक राज्य से दूसरे राज्य में मकान चाहिए तो वेटिंग लिस्ट में अगर डाल दे और कोई
तमिलनाडु से उत्तराखंड जाना चाहता है और कोई उत्तराखंड से तमिलनाडु जाना चाहता है, तो इसका मैचिंग कराकर अगर हम ये कर सकते हैं तो और सुविधाजनक हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। थोड़े फीचर ही टेक्निकली इसमें हमें बढ़ाने पड़ेंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर से एक बार यहाँ बैठे हुए DGP से लेकर सरहद पर खड़े हुए जवान तक सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।